नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी राजकीय महिला पॉलिटेक्निक सांगानेर में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको नाइट सूट में जो पायजामा बनता है उसकी ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मेज़रमेंट चाहिए हमको इसके लिए वो है पायजामा लेंथ, हिप और बॉटम। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। तो इस पे है हमारा 0 to 1, ये टोटल पायजामा लेंथ। फिर 0 to 0 dash एंड 1 to 1 dash, ये हमारी टॉप एंड बॉटम फोल्डिंग 5 cm, ये चाहो तो आप 4 cm भी रख सकते हैं। उसके बाद 0 to 2, ये हमारी क्रॉच लेंथ जो कि हमारी है 1/3 hip + 2.5 cm। देन 2 to 3, ये सेम जैसा हमने प्लेन पायजामा बनाया था काफ़ी कुछ उस जैसा ही है, तो ये 2 to 3 वाला मेज़रमेंट भी वही है कि हाफ ऑफ 2 to 1 - 4 cm, या 2 to 3 का आप नी लेंथ मेज़र करके ले सकते हैं। उसके बाद है 2 to 4, ये है हमारा 1/3 hip। 5 to 6, ये ईज के लिए 5 या 6 cm, क्योंकि नाइट सूट है, रात में पहनने का है, जब हम सोते हैं तो उस वक्त के लिए हमको ईज़ ज़्यादा चाहिए, तो 5 cm - 6 cm आप उसको ले सकते हैं। देन 0 to 6 इज सेम 2 to 4 वाला मेज़रमेंट है हमारा। उसके बाद जो ये 7 point है, ये हमारा 2 to 5 का मिड पॉइंट है, और ये स्ट्रेट ऊपर से नीचे हमने एज इट ड्रॉ कर दिया, ये हमारी क्रीज लाइन है। सेम हमारा मिड पॉइंट लेके हमने एज इट इज़ ऊपर और नीचे ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारी क्रीज लाइन बन गई है। इसके बाद में हम आते हैं उसके बाद बॉटम के लिए। तो ये 7, 7/1 - 7/2, 7/3, अब ये 7/3 वाला जो पॉइंट है, अब यहाँ हमको बॉटम लेना है, तो 7/3 to 8 एंड 7/3 to 8 dash, ये हमारा हमने जो बॉटम लिया है उसका 1/4, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/4, तो टोटल 8 to 8 dash हमारा हो गया है हाफ बॉटम, लेकिन 7/3 से ये वाला मेज़रमेंट हमारा 1/4 हो गया, ये हमारा बॉटम का मेज़रमेंट आ गया है। उसके बाद ये जो नी लेंथ वाली जो लाइन थी, इस पर 7/2 to 9 एंड 7/2 to 9 dash, ये हमने जहाँ जो लिया है 1/4 बॉटम, तो 1/4 बॉटम यहाँ से थोड़ा ज़्यादा, तो ये हमारा 1 या 1.5 cm हम उसको ज़्यादा ले सकते हैं, और इस लाइन को हम इसके साथ स्ट्रेट डायगनल मिलाते हुए 5 point पे, जैसा कि आप शेप देख रहे हैं उस तरह से आप मिला देंगे, एज इट इज़ हमारा यहाँ हो जाएगा 8 to 9 स्ट्रेट मिलाएंगे, और उसके बाद स्ट्रेट होता होता ये 2 point पे मिल जाएगा, थोड़ा सा शेप देते हुए बस ये इस तरह से मिल जाएगा हमारा। तो ये हमारी लेग वाली दोनों तरफ की जो शेप है, इनसाइड और ये बाहर वाला, ये शेप हमारा बन जाता है। उसके बाद ये हम जैसा कि प्लेन पायजामे में बताया था, 1/3 हिस्से तक लेके हम ये वाला शेप ले लेते हैं। फिर ये हमारा नाइट सूट है, इसमें फ्लाई जो लगती है उसमें पैंट की जैसे ज़िपर नहीं लगता, हमने एक्स्ट्रा कपड़े जो हमारा फैब्रिक होता है उसको लिया हुआ होता है, और उसके साथ में बटन्स लगे होते हैं, तो इसके लिए हम जो फैब्रिक काटेंगे उसके साथ में ही हम फ्लाई वाला कपड़ा भी हम ले लेंगे, तो 6 to 10 ये जो मेज़रमेंट है, ये हमारी नॉर्मली 8 inch फ्लाई लेंथ हो जाती है, लेकिन अगर हमारा 38 से अबाव है तो आप 8.5 inch फ्लाई लेंथ आप रख सकते हो, 9 inch भी हो सकती है, मैक्सिमम 9 inches तक आप ये 6 to 10 वाला जो मेज़रमेंट है वो हमारी फ्लाई लेंथ है। उसके बाद 10 to 11 एंड 6 to 12, ये बॉटम लाइन जो हमारी थी ऊपर टॉप के लिए बॉटम फोल्डिंग वाली, वो लाइन हमने एक्सटेंड ऊपर तक कर दी है फ्लाई के लिए, तो 10 to 11 एंड 6 to 12, ये हमारा है 5 cm, ये राइट साइड की फ्लाई के लिए।
देन 10-14 एंड 6-13 ये हमारा है 8 सेंटीमीटर वो लेफ्ट साइड की फ्लाई के लिए। ये हमारा इस तरह से फ्लाई का हो गया है। अब ये पॉकेट ओपनिंग 0-15 ये हमारा 7 सेंटीमीटर, उसके बाद 15-16 ये हमारा है 1/6 hip फॉर पॉकेट ओपनिंग। इस तरह से पॉकेट का निशान इसमें लगता है, हमें पॉकेट लगानी होती है। और ये पूरा करने के बाद उस बॉटम और टॉप दोनों पे हमने 5-5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जितना आप चाह रहे हैं हमने फोल्डिंग का ले लिया है। यहाँ और यहाँ दोनों साइड हमारा बसता है, तो दोनों साइड में 1-1 सेंटीमीटर इस तरफ और 1 सेंटीमीटर इस तरफ हमारा सीम अलाउंस जो हमारा शेप है उसके अकॉर्डिंग हम वापस इस तरफ ले लेते हैं। और ये यहाँ भी ऐसे 1-1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस ये इस तरह से पूरे पे ले लेते हैं। तो ये हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो नाइट सूट के पायजामे का फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट। और उसमें जो हम पॉकेट लगाने वाले हैं उसका लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये हमारा स्ट्रेट ग्रेन में कटने वाला है, जब हम कपड़े पे प्लेस करेंगे तो हमारा स्ट्रेट ग्रेन रहेगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। थैंक यू।